अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग भरने वाले हैं सेकेंड ईयर का इनरोलमेंट फॉर्म, चाहे कोई सा भी हो, प्री मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, आपने बिल्कुल इसी तरीके से फिल करना है विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है, यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखना है हमेशा। और यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख लेना, जैसे मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे लिखने डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। यहाँ पे नेशनलिटी में पाकिस्तानी लिख लेना है आपने, पाकिस्तानी। अगर मेल है तो मेल लिख लेना, अगर फीमेल है तो आपने फीमेल लिख लेना है। रिलीजन में जो आपका वो मजहब है वो लिख लीजिएगा। इसके अलावा जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो आपका अभी फ़िलहाल मौजूदा पता है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके अलावा नेम ऑफ कॉलेज लीजिए जितना भी पढ़ लें आप। फाइनली हो गया। यहाँ पे अपना CNIC लिख लीजिएगा, CNIC नंबर। अगर आपका शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ तो आप लोग बे फार्म से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और शनाख्ती कार्ड पर उन्होंने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दी हुई है तो आपने लिख लेना है, वरना आप लोगों ने डायरेक्ट डॉट में निशान लगा देना है। पोस्टल कोड अपना लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं SSC की, जो आपका मैट्रिक में जो भी बना है, आपका जो मैट्रिक में बना है उसका रोल नंबर लिख लीजिएगा और यहाँ पे ग्रुप लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक में दिए हैं 2021 में पेपर, तो मैं 2021 लिख लेता हूँ। एनुअल दिए थे या सप्ली, यहाँ पे फुल वाजे लिखा होता है एनुअल है या सप्ली। एनुअल मैंने दिए हुए तो एनुअल पे टिक लगा दूंगा। इसके अलावा बोर्ड या एग्जामिनेशन बॉडी जहाँ पे आप लोग होते हैं, यहाँ पे कराची बोर्ड लिख देंगे। कराची बोर्ड। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो ग्रुप है, आप ग्रुप जो भी हो, आपने जो मैट्रिक में सिलेक्ट किया हुआ था वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा साइंस था तो मैं यहाँ पे साइंस लिख लेता हूँ। और यहाँ पे अपना मैट्रिक वाला रोल नंबर लिख लेना है। ये आ गया मेरा मैट्रिक वाला रोल नंबर। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो ये वाला है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है मैं बता देता हूँ, इसमें क्या करना है। इसमें आपने ये करना है, मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि अभी लिख के दिखा दूंगा। यहाँ पे आपने लिखा है 5 सब्जेक्ट, जिसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में जो रिजल्ट आया ना वो इसके थ्रू भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास BIE की एप्लीकेशन होती है, वहाँ से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर वाली, तो इसमें उर्दू में नंबर आए 100 में से 79, तो ये लिख लेते हैं। उर्दू में हमारे पास नंबर आए उर्दू में 100 में से 79, तो भाई लिख लेते हैं 79 नंबर। यहाँ पर लिखना है उर्दू नॉर्मल, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर अपना वो फर्स्ट ईयर वाला रोल नंबर लिख लीजिएगा। एयर रूम से था, एयर कैसे पता चलेगा, एयर ये लिखा हुआ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं।
एयर ये लिखा हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हैं आपने एयर लिख लेना है जब भी पेपर दिए हूँ, यहाँ लिखना है। अगर एनुअल दिया तो एनुअल यहाँ लिख दिया, अगर सप्ली दिया तो सप्ली लिख दिया। मैंने एनुअल दिए तो एनुअल लिख लेते हैं, ये लिख लिया। अब एग्रीगेट मार्क क्या है, एग्रीगेट में मैंने पहले बता दिया था, ये देखिए ये वाले नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे उर्दू में आए हैं 79, तो हम लोगों ने 79 लिख लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे फिल कर लेना है। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको करके भी दिखा देता। अब बात करते हैं आपने पेपर कौन कौन से अभी फिलहाल देने हैं। अगर आपकी कोई सप्ली आ गई है तो फिर आपने वन पे भी टिक करना है। सिर्फ आप अभी पास हो चुके हैं, यानी आप पास हो चुके हैं तो सिर्फ आपने जो अभी पेपर देने हैं सिर्फ उस पर टिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी उर्दू का पेपर दूंगा और इंग्लिश का, पाक स्टडी हो गया, बस सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल थ्योरी, जी हाँ मैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी दूंगा और थ्योरी भी दूंगा, फिजिक का प्रैक्टिकल भी दूंगा और थ्योरी भी दूंगा, और ये आ गया बायो, ये भी दूंगा और ये भी दूंगा, टिक लगा लीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर में कोई पेपर रुक गया है तो आपने वही काम करना है जैसे कि फर्स्ट ईयर में शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रुक गया है उर्दू का तो आपने फर्स्ट ईयर में उर्दू में भी टिक लगा लेना है। अगर नहीं रुका तो मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं मीडियम ऑफ आंसर। अगर आप उर्दू मीडियम में पेपर देंगे तो उर्दू लिख दीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं तो आपने इंग्लिश मीडियम लिख दीजिएगा। बस यही था फॉर्म। और पीछे भी थोड़ा दिखा देता हूँ पीछे क्या लिखना है। पीछे आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना, जो भी करेंगे वो ऑफिस वाले करेंगे। जहाँ पे आप लोग जमीन जमा करवाएंगे ना ऑफिस में, या फिर कॉलेज जमा करवाने वाले हैं तो वो लोग खुद ही फिल कर लेंगे। बस यहीं तक फॉर्म था, फिल हो चुका है। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लग के अल्लाह हाफिज़।